सर आपने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब ने और मेरे जितने भी यहाँ साथी हैं, उस तरफ के या इस तरफ के, सत्ताधारी पार्टी के या विपक्ष, और विशेष रूप से आपने और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से भावुक होकर मेरे बारे में कुछ शब्द बताए, मैं बड़ी सोच में पड़ गया कि क्या कहूं मैं। मैं इन 41 वर्षों में जो मेरा लेजिस्लेटिव करियर रहा, 28 साल इस हाउस में, 10 साल लोकसभा में, 3 साल जम्मू कश्मीर की असेंबली में, तो ये कहूंगा कि महाराष्ट्र से जीत के आके मैं कभी इधर से निकला, इधर डूबा, इधर डूबा, उधर निकला, उधर डूबा, इधर निकला, ये मेरा जीवन ऐसे ही रहा और संघर्ष का जमाना रहा। और मैं आज बहुत सारी चीजों को छोटा करने के लिए कुछ शेरों में ही खत्म करते हैं। शायर जो होते हैं उनमें एक बड़ी ताकत होती है उनके शेरों में, कि हम लोग अगर 10 घंटे का भाषण दें तो वो 2 शेर में खत्म कर देते हैं उसका। तो मैं उसका फायदा उठाना चाहता हूं, वरना अगर मैं इतने 41 साल के इस अनुभव को अगर कहना चाहूंगा तो बहुत समय लगेगा, कई हफ्ते महीने लगेंगे, लेकिन शुरू में करूंगा जिस बात से मैंने पॉलिटिकल करियर शुरू किया है, स्टूडेंट लाइफ। और कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में मेरा, हालांकि मैं जम्मू से हूं लेकिन मेरा डिस्ट्रिक्ट में, शमशेर सिंह जी जानते हैं, मुस्लिम मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट, उसका असर कश्मीर का ज्यादा होता है, जम्मू का कम असर पड़ता है, विशेष रूप से मुस्लिम्स में। और उसके बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो मैं कश्मीर में ही पढ़ा, और गांधी को पढ़ता था मैं, नेहरू को पढ़ता था, मौलाना आजाद को पढ़ता था, इन 3 की। तो जो मैंने सीखा है देशभक्ति का स्कूल से लेकर, और वो देशभक्ति आज उन नौजवानों के नजर में जो सियाचिन में है, जो जम्मू कश्मीर में कई दशकों से है, ठंड में है, बर्फ में है, उनके नाम से शुरू करता हूं मैं। खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, खून की मांग है इस देश की रक्षा के लिए, मेरे नजदीक ये कुर्बानी बहुत छोटी है, दे दो। ये मेरे मन में बचपन से और स्कूल से ये बात रही। और जब मैं कश्मीर के सबसे बड़े कॉलेज एसपी कॉलेज, श्री प्रताप कॉलेज में पढ़ता था, मुझे याद है वहां 14 अगस्त भी मनाया जाता था और 15 अगस्त भी मनाया जाता था हमारे कॉलेज में। और 14 अगस्त तो आप जानते हैं किसके लिए मनाया जाता, और मेजॉरिटी उनकी थी जो 14 अगस्त को मनाते, और बहुत कम माइनॉरिटी थी दर्जन के अंदर जिसमें मैं भी था और मेरे दोस्त थे जो 15 अगस्त में स्टाफ के और प्रिंसिपल के साथ रहते थे। और उसके बाद हम एक हफ्ता कॉलेज नहीं जाते थे क्योंकि पिटाई होती। तो उस वक्त से निकलकर हम इस सोच के आए हैं जिस सोच में आज हम सब हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि इस सोच को बहुत सारे लोगों ने, और मैं बधाई देता हूं दूसरी पार्टीज को भी, वहां नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो, बीजेपी तो शुरू से ही कौमी धारा की पॉलिटिक्स में थी, वो भी आहिस्ता आहिस्ता बड़े पैमाने पे आए और कश्मीर आगे बढ़ा।
मेरी हमेशा ये सोच रही कि हम बड़े खुशकिस्मत हैं, जन्नत हिंदुस्तान ही। मैं तो आजादी के बाद पैदा हुआ, लेकिन आज गूगल के जरिए मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं, यूट्यूब के जरिए पढ़ता हूं। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में हूं जो पाकिस्तान कभी नहीं गया, लेकिन जब मैं पढ़ता हूं कि वहां किस तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, तो मुझे गौरव महसूस होता है, मुझे फख्र महसूस होता है कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और बल्कि अगर मैं आज कहूंगा विश्व में किसी मुसलमान को अगर गौरव होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के मुसलमान को गौरव होना चाहिए। हमने इन पिछले 30-35 सालों से अफगानिस्तान से लेकर ईरान, इराक से लेकर, और कुछ सालों पहले से देखे कि किस तरह से मुस्लिम देश खत्म हो जा रहे हैं एक दूसरे के अंदर, और एक दूसरे से लड़ाई करते हुए। वहां हिंदू तो नहीं है, वहां कोई क्रिश्चियन तो नहीं है, वहां दूसरा तो नहीं है जो लड़ाई कर रहा, आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और जो कल्चर है, हमदर्द तो लोग पाकिस्तान के बहुत है, सुनने में आया है, मैं कभी गया नहीं, लेकिन जो समाज में बुराइयां हैं, दूसरे मुल्क के बारे में नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम गौरव से यह कह सकते हैं कि हमारे मुसलमानों में वो बुराइयां खुदा न करे कि कभी भी लाए, तो आज हम गौरव से ये कह सकते हैं। लेकिन यहां मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी दो कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी मेजॉरिटी कम्युनिटी 10 कदम आगे बढ़ी। मेरी हमेशा ये सोच रहेगी, पता नहीं शमशेर सिंह जी ने मेरी कश्मीर की चीफ मिनिस्टर बनने के बाद पहली पब्लिक मीटिंग के बारे में कभी सुना है कि नहीं। मैं जब सीएम बना तो पहली पब्लिक मीटिंग सीएम के तौर पे, आपको आश्चर्य होगा कहाँ ली होगी, वो मैंने सोपोर में ली, जहाँ के सोपोर में कोई कई दशकों से पब्लिक मीटिंग कोई कर नहीं सकता, आज भी नहीं कर सकता। शहर में तो नहीं की, लेकिन उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में की, जहाँ गिलानी साहब हैं, जो गिलानी साहब वहां से 3 दफा एमएलए चुन के आए। और उस पब्लिक मीटिंग में मैंने क्या कहा था कि मेरी सरकार जम्मू कश्मीर के लोगों की सरकार होगी, और अगर मेरी सरकार का कोई मंत्री धर्म की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर और पार्टी की बुनियाद पर इंसाफ करेगा, तो मुझे शर्म आएगी कि ऐसा मंत्री या ऐसा अफसर मेरे साथ काम कर रहा। तो मैं उसी सोच का हूं कि जहां भी जाएं मुझे प्यार मिला लूंगा, बहुत प्यार मिला। आनंद शर्मा जी ने जैसे बताया, शरद जी ने जैसे बताया कि उनको तो बहुत अरसे से जानता, मुझे सौभाग्य मिला और उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज वो जिंदा नहीं, इंदिरा गांधी जी का, संजय गांधी जी का, जिनकी वजह से मैं यहां पहुंचा और फिर काम करने का अवसर मुझे तकरीबन 5 अध्यक्षों के साथ मिला और 4 या 5 प्राइम मिनिस्टरों के साथ मंत्रिमंडल में काम करने का मिला। लेकिन अवसर ये मिला कि मैं हिंदुस्तान के सभी 35-36 यूटीज और स्टेटों का इंचार्ज करने का अवसर मिला। तो आज मेरे दोस्त भाई बहने, मैं ये कह सकता हूँ कि अंडमान से लेकर और लक्षद्वीप तक, और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, सिक्किम से लेकर गुजरात तक, ये बहुत एक चीज कमाई, बहुत कुछ सीखा मैंने इस पार्लियामेंट। मुझे अवसर मिला पार्टी के जनशक्ति या मंत्री के रूप में, वो इंदिरा जी के वक्त में मिला, राजीव जी के वक्त में मिला, सोनिया गांधी जी के वक्त में वो अवसर उन्होंने मुझे प्राप्त कराया, राहुल गांधी जी के वक्त में, और मुझे शायद बहुत सारे कम लोगों को ये अवसर प्राप्त हुआ होगा कि जो अपनी उम्र से दुगने के लोग थे और बड़े लीडर थे, उनके साथ
पार्टी की तरफ से मीटिंग करने का मौका मिला और पार्टी के साथ कई नेगोशिएशन करने का मौका मिला, उनमें ज्योति बसु जी थी, करुणानिधि जी थे, जयललिता जी के साथ मैंने अलायंस किया, करुणाकरण जी थे, चंद्रशेखर जी थे, देवीलाल जी थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, प्रकाश सिंह बादल जी से अलायंस तो नहीं किया, लेकिन कई चीज़ें जब मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था तब कई मीटिंगें हुई, मैं जब देखता था इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंजाब अकॉर्ड, असम अकॉर्ड, ये देखता था। आई के गुजराल साहब से, शुभ सोरंग जी से, साहब तंगल जी से, मुपनार जी से, फारूक साहब से, मुफ्ती साहब से, ये सब लोगों के साथ कई दफा, और यही वजह है कि यहाँ भी उसी तरह से मैंने चलाया। तीन प्राइम मिनिस्टरों के साथ मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा। मैं उस बात को भूल नहीं सकता कि इंदिरा जी फोतेदार जी और हमें बताती थी, फोतेदार जी पॉलिटिकल सेक्रेटरी थे, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, कहा जरा अटल जी से भी संपर्क में रहा करो, बीजेपी ने उन्होंने कहा अटल जी से संपर्क में रहा करो, तो वो इस सोच की थी। बाद में राजीव जी जब प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा भाई अब विपक्ष के जो लोग हैं उनके पास तो दो एमएलए एमपी हैं, हमारा इतना बहुमत, उनको भी तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का काम करना होता होगा, उनसे भी जरा पूछा करो। जब पार्लियामेंट्री अफेयर्स में मिनिस्टर बना मैं उनके वक्त में राजीव गांधी के, तो फिर एक दफा फिर याद दिलाया कि आप बहुत सारे काम अपनी पार्टी के कराते हो, विपक्ष के भी कुछ करते हो। मैंने कहा मैं बिल्कुल उनके भी पूछता हूं, जो जो बताते हैं, हर चीज आपको बताने की जरूरत नहीं, हम अपने लेवल पे करते हैं। और बाद में मैंने यही चीज माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखी। 5 साल 91 से 96 तक मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर रहा, और भी पोर्टफोलियोज थे मेरे पास, और अटल जी विपक्ष के नेता रहे, हमारे पास बहुमत नहीं था और अलायंस भी नहीं था, माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी, और उस माइनॉरिटी गवर्नमेंट में अटल बिहारी जी वाजपेयी जी विपक्ष के नेता हो, ये हाउस चलाना कितना आसान मुश्किल हो सकता, लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे आसान हाउस चलाना उन 5 साल में मुझे अटल जी की लीडरशिप हुआ, और उनसे सीखा मैंने कि किस तरह से हल निकाला जा सकता, विपक्ष की भी बात रहे और सरकार की भी बात रहे। मैंने अपने एलओपी के जमाने में ये कोशिश की कि हम यहां आए हैं, लोगों ने हमको चुना है कानून बनाने के लिए, लोगों ने हमें चुना है कई मसलों का समाधान निकालने के लिए, हल निकालने के लिए, उनकी मुश्किलात, उनके लिए रोजगार पैदा करना, एम्प्लॉयमेंट करना, डेवलपमेंट करना, विकास करना, सड़कें, नहरें, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बनाना, बिजली पैदावार करना। तो अगर हम हर वक्त ये आपस में ही लड़ते रहे, झगड़ते रहे और वो कानून पास नहीं होंगे तो लोगों का विश्वास हमसे उड़ जाएगा। इसलिए जब भी हमें अपने साथियों को भी समझाता था कि इसको मिक्स करो, एक आध दिन विरोध दिखाओ, एक आध दिन झगड़ा करो और बाकी दिन डिस्कशन करें, ये मैंने हमेशा प्रयास किया अपने। मैं धन्यवाद करता हूं हमारे उस तरफ के भी साथियों को जिन्होंने